नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। न्यूज और अपडेट्स के साथ मैं हूं राम प्रकाश राय। खबरों की शुरुआत आज क्रिसमस के साथ। आज क्रिसमस है, साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती भी है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित किए। स्मृति स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को क्रिसमस की बधाई भी दी है। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई, हम यीशु मसीह के जीवन और शिक्षा को याद करते हैं जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें, चारों ओर सद्भाव हो। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए ट्वीट किया कि क्रिसमस की बधाई खास तौर से देश और विदेश में रहने वाले हमारे ईसाई भाइयों और बहनों को। इस खुशी के अवसर पर आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जो न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। अगली खबर गोवा से। गोवा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोवा के पूर्व विधायक लवू मामलादार सहित टीएमसी के 5 सदस्यों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। खबरों के मुताबिक ये सभी सदस्य भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी को लिखे पत्र में सदस्यों ने कहा है कि वो ऐसी पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो गोवा को बांटने का काम करती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राज्य का दौरा कर रही हैं, साथ ही पार्टी विस्तार के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। टीएमसी ने गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगली खबर पश्चिम बंगाल और असम सीमा पर। शुक्रवार रात एक दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस बूथ में जमकर तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि यह घटना पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों की सीमा पर भांगा पकड़ी में असम के साथ लगी राज्य की सीमा पर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक स्थानीय युवक के साथ वहां दुर्घटना हो गई। जो घटना हुई वो पुलिस बूथ के सामने हुई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उसमें तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आपको बताते चलें कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल पुलिस बूथ का इस्तेमाल नाका जाँच के लिए किया जाता है। जो दुर्घटना बूथ के सामने हुई उसमें एक स्थानीय युवक शामिल था। वहीं अभी हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने विरोध में दोनों राज्यों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया, जिससे देर रात महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात बाधित होता रहा। अगली खबर आईटी रेड की। आयकर विभाग की रेड लगातार जारी है। कानपुर के बाद कन्नौज में आईटी ने रेड डाली। कानपुर में इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC और आयकर विभाग के अफसर भी छापे में मिले इतने कैश को देखकर हैरान हैं। बरामद रकम की गिनती के लिए 13 मशीनों को लगातार 36 घंटे तक काम करना पड़ा। इधर कानपुर से सटे कन्नौज में इत्र कारोबार से ही जुड़े दो कारोबारियों रानू मिश्रा और विनीत मिश्रा के यहाँ देर रात CBIC और IT की टीम ने छापे मारे। इनके यहाँ कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इनके यहाँ से क्या बरामद हुआ है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों का भी पीयूष जैन से कनेक्शन है। पीयूष जैन भी मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। कानपुर में उनके घर में छापेमारी के बाद पीयूष के बेटे प्रत्युष को लेकर CBIC और IT के अफसर शुक्रवार शाम को कन्नौज स्थित उनके घर पहुंचे थे। यहां पर सिर्फ दो कमरों की तलाशी में ही टीम को 4 करोड़ रुपये मिले थे। अभी भी घर में कई कमरे बंद हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियाँ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी लश्करे तैयबा से जुड़े हुए थे। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को शोपियां के चौगाम इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी। खबरों के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगली खबर ओमिक्रॉन की। कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसारने लगा है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 415 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र 108 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर, तो वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां कुल 79 मरीज मिले हैं। वहीं गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, राजस्थान में 22, ओडिशा व हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़, लद्दाख व उत्तराखंड में 1-1 मामले सामने आए हैं। अगली खबर
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने सरकार के साथ ही साथ विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ा दी है। देश में ऐसे 10 राज्य चिन्हित किए गए हैं जहां ओमिक्रॉन व कोरोना की संक्रमण दर में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा यहां कोविड 19 का टीकाकरण की रफ्तार भी धीमी है। केंद्र ने इन राज्यों की कमान अपने हाथ में ले ली है और यहाँ पर केंद्रीय टीमों को तैनात कर दिया गया है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड व पंजाब शामिल हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य टीमों को ओमिक्रॉन व कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उतारा गया है। साथ ही यह टीम कोविड 19 टीकाकरण की जमीनी हकीकत की भी निगरानी करेगी। अगली खबर, कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन ज़्यादा ताकतवर रूप में सामने आया है। केंद्र की ओर से बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने अपने एक अध्ययन का आंकड़ा जारी किया है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये बेहद गंभीर है कि इससे वह लोग संक्रमित हो रहे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। देश में हर 10 संक्रमित में से 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, इसके बावजूद वे ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए। साथ ही विशेषज्ञों ने इस नए खतरे से और भी ज़्यादा सजग होने की अपील की है। देश में 183 ओमिक्रॉन संक्रमितों पर यह अध्ययन किया गया, जिसमें सामने आया है कि 10 में से 9 संक्रमित पूर्ण रूप से टीकाकरण करा चुके हैं। केंद्र का कहना है कि वैक्सीन इस नए खतरे के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी अन्य विकल्प संक्रमण को रोकने के लिए फिर से अपनाने होंगे। अगली खबर, कोरोना वायरस उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस वजह से लगातार दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार फीका नजर आ रहा है। यूरोप और अमेरिका में कोरोना की पांचवी लहर तबाही मचा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से खतरा दोगुना हो गया है। दुनिया की सरकारें लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही हैं। इस वजह से ना तो लोग पहले की तरह खरीदारी कर पा रहे हैं और ना ही घर से बाहर निकलकर खुशियां मना पा रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना को लेकर कुछ न कुछ पाबंदियां लागू हैं, जिसका सीधा असर इस त्यौहार पर पड़ा है। अगली खबर खेल की, भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 के मुकाबले में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की जूनियर टीम ने शुरुआती 3 ओवर में ही 3 विकेट गंवा दिए। तीनों विकेट पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जिसान जमीर ने लिए। उन्होंने अंगक्रिश रघुवंशी 0, रसीद 6 और कप्तान यश धूल 0 को आउट कर सनसनी फैला दी। तब तक भारत ने महज 14 रन जोड़े थे। जिसान के पास हैट्रिक पूरी करने का भी मौका आया, हालांकि वह ऐसा नहीं कर सके। इससे पहले पाक ने मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 6 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 36 रन था और हरनूर सिंह और निशांत सिंधु क्रीज पर थे। अगली खबर सीजेआई की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई एनवी रमना कल यानी शुक्रवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव के रहने वाले हैं। सीजेआई बनने के बाद पहली बार वो अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। गांव के लोगों ने उनका स्वागत भी निराले अंदाज में किया। सीजेआई को फूलों से सजी बैलगाड़ी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान गाजे बाजे के साथ उन पर फूलों की बारिश होती रही। सीजेआई के साथ उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बैलगाड़ी पर पूरे गांव की सैर की। इस दौरान ग्रामीण पैदल ही उनके साथ घूमते रहे। गाँव वालों के स्वागत से रमना भी भावुक हो गए। गाँव वालों से उन्होंने तेलुगु में ही बातचीत की। उन्होंने स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि देश प्रगति कर रहा है, लेकिन कई समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। उन्होंने इस दौरान सभी को समस्याओं से मुकाबला करने के लिए एकजुट होने की अपील की। इस मौके पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वो अपनी मातृभाषा तेलुगु और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।